एमएस पेंट चालू किया जाए। जो भी नया स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कमेंट करे। उसके बाद चलिए क्लास चालू किया जाए। हाउ टू ओपन एमएस पेंट। फर्स्ट प्रोसेस, प्रेस विंडोज की प्लस आर, मतलब फर्स्ट आपका प्रोसेस है पेंट खोल, एमएस पेंट खोलने के लिए विंडोज प्लस आर बटन क्लिक कीजिएगा तो आपका एमएस पेंट खुल जाएगा। तो उसके बाद देन ओपन रन डायलॉग बॉक्स, एक आपको डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें देन टाइप पेंट एमएस पेंट, एमएस पेंट लिखिएगा चाहे पेंट लिखिएगा, देन क्लिक ओके, ओके या प्रेस इंटर की कीजिएगा। उसके बाद आपका एमएस पेंट खुल जाएगा। सेकेंड प्रोसेस है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑप्शन। स्टार्ट बटन मतलब विंडोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे कीबोर्ड पर, और देन ओपन ऑल प्रोग्राम, देन टाइप पेंट या एमएस पेंट, उसमें सर्च मारना है पेंट या एमएस पेंट। उसके बाद देन क्लिक ओके या प्रेस इंटर की। चलिए इसके बाद, उसके बाद आपका है थर्ड प्रोसेस ट्विक या ट्विस्ट, क्लिक ऑन पेंट आइकन, मतलब आपके जब स्क्रीन पर दिया होगा एमएस पेंट तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो खुल जाएगा। नोट में है क्लिक मतलब एक बार क्लिक कीजिएगा माउस के लेफ्ट बटन, या ट्विक मतलब दो बार क्लिक करना होगा। वेलकम स्क्रीन या लेआउट और एमएस पेंट, आप वेलकम देखिए एमएस पेंट का लेआउट स्क्रीन कैसा होता है। ये आपका कस्टमर क्विक एस टूल बार है, ये आपका विंडोज मेन्यू है, ये वाला ये आपका मेन्यू है, ये आपका स्क्रीन हो गया एमएस पेंट का, वर्किंग एरिया है आपका, ये वर्टिकल स्क्रीन बार, इसे रोलर ऊपर नीचे किया जाता है, यहाँ से जूम किया जाता है, जूम इन या जूम आउट। ये स्क्रीन बना लीजिएगा लोग बस। इसके बाद यूज ऑफ टूल्स, टूल्स यहाँ टूल्स होगा, यहाँ नेम और यहाँ यूज, ये वाला है इलिप्स टूल्स, ड्रो और रिकॉल और फिर आपका टूल्स हो गया, इसका नाम मालूम हमको नहीं है। फिर ये होगा इसका रेक्टेंगल टूल है ड्रो, इसका है पॉलीटिकुलर टूल्स, इसका है लाइन टूल्स, यूज ऑफ द ड्रो लाइन मतलब ड्रो करने में ये लाइन का प्रयोग होता है, ये है लाइन टूल यूजिंग, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब टूल्स का नाम है। टूल्स का ऐसा ही टूल्स दिखाता है एम एस पेंट में, और ये सबका उसका नाम है, इसका यूज है। ये हो गया इसका कर्सर टूल, टू रेज द पार्ट और एंड ऑब्जेक्ट, मतलब इसे इरेजर है, इसे कोई भी गलत हो जाता है तो उसे मिटकाया जाता है। ये फिल टूल, टू फिल कलर एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ बाल्टी टाइप का बना रहता है, मतलब हम नहीं बनाए हैं। ये 15 नंबर में ये है फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल्स, यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन एंड डायरेक्शन। उसके बाद ये है सेलेक्ट टूल्स, इसका होता है इससे सेलेक्ट किया जाता है सेलेक्ट इन रेक्टेंगुलर वे, इसे सेलेक्ट किया जाता है रेक्टेंगुलर। उसके बाद है पिक एनी कलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एनी पिक कलर टूल्स, मतलब कलर टूल्स लेना है, क्लिक ऑन एनी कलर, कोई भी कलर ले लेना है। एस्पायरी एनी कलर, सेलेक्ट एयरब्रश टूल, ये एयरब्रश टूल है, क्लिक एन एनी टूल्स एस्पायरी इन वर्किंग एरिया। उसके बाद है ड्रो पॉलीगॉन में सेलेक्ट द पॉलीगॉन टूल्स, मतलब ड्रो पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बी नंबर में क्लिक इन वर्किंग एरिया, उसके बाद आपको वर्किंग एरिया में जाना है। उसके बाद क्लिक इन क्लिक
क्लिक ऑन फर्स्ट नोड, जैसे एग्जांपल में है ऐसा बनेगा। उसके बाद है फिल एनी कलर इन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई फिल करना हो कुछ ऑब्जेक्ट में कलर, तो सिलेक्ट फिल टूल, पहले फिल टूल ले लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट एनी कलर, एक कलर ले लेंगे मान लीजिए ब्लू। उसके बाद क्लिक इनसाइड ऑब्जेक्ट, इसका एग्जांपल होगा इसके अंदर आकर क्लिक किया जाएगा तो ब्लू रंग का हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉ स्टेरिंग लाइन, सिलेक्ट लाइन टूल ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होल्ड शिफ्ट की एंड ड्रैग, तो इसका लाइन एकदम सीधा खिंचाएगा, शिफ्ट के साथ लाइन खिंचा जाएगा, तो सीधा लाइन खिंचाएगा। उसके बाद इंक्रेजिंग इरेजर टूल, सिलेक्ट इरेजर टूल से मिटाया जाता है कुछ जो भी कुछ गलत हो जाता है। तो इरेज प्लस की विथ कंट्रोल प्लस किया जाएगा तो इरेजर का साइज बढ़ता है। और डिक्रेजिंग इरेजर टूल्स सिलेक्ट द इरेजर टूल्स, प्रेस माइनस की विथ कंट्रोल की, कंट्रोल के साथ माइनस कीजिएगा तो इरेजर का साइज छोटा होगा। उसके बाद है क्रिएटिंग न्यू वर्किंग एरिया, क्रिएटिंग अगर न्यू आपको वर्किंग एरिया लेना है, न्यू क्रिएट करना है, मतलब न्यू एमएस पेंट में जाना है, तो उसका मतलब पहले जाइए फाइल में जाइए उसमें एमएस पेंट के, फिर उसमें न्यू में जाइए, न्यू में जाकर क्रिएट कीजिए, क्रिएट में जाकर ओके कीजिए, उसके बाद आपका नया फाइल खुल जाएगा। अगर आपको एमएस पेंट में सेव करना हो तो सेव ए फाइल, ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट, उसके बाद फाइल से जाना है, पहले ऑब्जेक्ट बना लेना है, उसके बाद फाइल में जाना है, फाइल से जाकर सेव में जाना है। उसके बाद आएगा आपका टाइप एनी फाइल नेम, फाइल नेम आएगा, जैसे एग्जांपल में आपका चिंग चौंग लिख लीजिएगा उसमें, चाहे आपका जो भी फाइल का नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन सेव बटन, उसके बाद सेव बटन पर इंटर कीजिएगा, चाहे कर्सर से ले जाकर माउस से उसको क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा सेविंग फाइल विथ न्यू नेम। अगर कोई फाइल के नाम सेव कर दिए उसको फिर न्यू नाम से सेव करना चाहते हैं तो फिर से फाइल में जाइए, फिर सेव, पहले सेव में गए थे उसके बाद सेव एज में जाइए। उसके बाद टाइप एनी नेम, उसमें नाम होगा मान लीजिए अगर, उसके बाद चिंग चौंग नाम हटाकर ऋषि कुमार लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन सेव, उसके बाद सेव फिर से कीजिएगा हो जाएगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। सेट ए वाल पेपर ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, अगर डेस्कटॉप पर कोई फोटो वोटो चाहे जैसे इसका फोटो है इसको लगाना चाहते हैं तो क्रिएट एनी डिजाइन, पहले इसको बना लिया जाएगा डिजाइन, तो फाइल से जाकर सेव कर लिया जाएगा। फिर फाइल सेट ए वाल पेपर, फाइल से जाकर सेट ए वाल पेपर में जाकर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सेंटर में कीजिएगा तो वो सेंटर में पिक्चर रहेगा फाइल डेस्कटॉप पर। उसके बाद नोट में सेट द ड्राइंग ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, उसके बाद वो डेस्कटॉप स्क्रीन पर लग जाएगा आपका पिक्चर। उसके बाद है सेटिंग व्यू, सेटिंग व्यू में आपका है व्यू से जाना है टूल बार में, एग्जांपल में ये है, उसके बाद ये इस ऑन ऑफ करना होगा। जैसे व्यू में जाके कलर बॉक्स से जाकर कलर पैल्ट्रल ऑन या ऑफ करना है। उसके बाद व्यू में जाना है, व्यू से जाकर टेक्स्ट टूल बॉक्स में एरियल 18BIU होगा, तो इसमें अगर बी कीजिएगा तो बोल्ड हो जाएगा, आई कीजिएगा तो इटैलिक हो जाएगा, यू कीजिएगा तो अंडरलाइन हो जाएगा, कोई भी वर्ड में जिसमें लगाना चाहते हैं। उसके बाद जूमिंग ऑब्जेक्ट, आपका जूमिंग ऑब्जेक्ट हो गया, व्यू से जाना है, व्यू से जाके लार्ज साइज में जाना है या नॉर्मल साइज या कस्टमर साइज जो भी लेना है लीजिएगा, नॉर्मल साइज कस्टमर साइज उसमें रखिएगा या जूम टू में जाइएगा तो 100%, 400%, 800%, 200% उसमें देता है ऑप्शन करने के लिए, तो आप 100% कर दीजिएगा उसका स्क्रीन। फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट,
फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट देखिए इसका हाथ इधर है, उसके बाद इमेज से जाकर फ्लिप रोटेट, फ्लिप से जाकर रोटेट करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है। एग्जांपल में तो हॉरिजॉन्टल कीजिएगा तो इसका हाथ इधर हो जाएगा, पहले इसका हाथ इधर था। उसके बाद फ्लिप वर्टिकल कीजिएगा तो ये आदमी तो उल्टा हो जा रहा है, इसी तरह वर्टिकल कीजिएगा। तो उसके बाद क्लिक ऑन ओके कीजिएगा। रोटिंग एनी ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इमेज से फ्लिप, फ्लिप से रोटेट में जाना है। फ्लिप या रोटेट एक ही हुआ, उसको 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री पर रोटेशन कर सकते हैं। आपका एक ही वीडियो में एमएस पेंट समाप्त हो जाएगा, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। सिलेक्ट एनी डिग्री एन एंड ओके। स्ट्रेचिंग ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इमेज से जाके स्ट्रेच या स्किन एंड है, स्ट्रेच में होगा ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह चौड़ा टाइप का, हॉरिजॉन्टल 150% है, ये वर्टिकल है सीधा इस तरह, तो वर्टिकल 140% है। क्लिक ऑन ओके। एग्जांपल में ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया। उसके बाद इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, ये मतलब ऑब्जेक्ट है आपका सिलेक्ट हो गया, इमेज से जाके इन्वर्ट करना है, उसके बाद क्लिक ऑन ओके करना है। एग्जांपल में देखिए ये हो गया, इसका जो ये आदमी का एथी बना हुआ है ये लाइन वाला, ये आपका ब्लैक कलर का रहेगा, इसका बैकग्राउंड रहेगा वो वाइट रहेगा। और इसमें देखिए इसका बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा, ये जो लिखा हुआ है मतलब ये लाइन है, ये वाला लाइन जो है ये सब वाइट कलर का रहेगा। कॉपिंग ऑब्जेक्ट, कॉपिंग ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल की एंड ड्रैग, ड्रैग कंट्रोल की के साथ भी दबाइएगा, कंट्रोल ई, इससे कॉपी हो गया, मतलब एक उससे पहले था एक और कॉपी हो गया। उसके बाद आपका है शैडोइंग ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद होल्ड शिफ्ट की एंड ड्रैग, अगर आप शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको धर कर फिर ड्रैग माने कर्सर धर कर उसको धा कर इधर उधर कीजिएगा तो ये आपका इसी तरह बनेगा पिक्चर। उसके बाद चेंजिंग पेज स्टेप, स्टेप फाइल से जाना है, फाइल में जाकर प्रिंट, प्रिंट से जाकर पेज स्टेप, उसके बाद साइज में जाकर लेटर लेना है, लेटर में जाकर उसके बाद ओरिजेंटलेशन, ये आपका आएगा पूछेगा कि आपको पर पेन प्रोटेंट या लैंड कैप में आपको चाहिए, तो आपको इस तरह चाहिए तो इस तरह लीजिए, चाहे इस तरह मतलब जिस तरह आपको प्रिंट करना है उसी तरह कीजिएगा। उसके बाद ये आपका रहता है मार्जिन, चारों तरफ से जो छूटता है वह जैसे टॉप से 0.5, लेफ्ट राइट बटने सबसे 0.55 छूटा हुआ है। क्लिक ऑन ओके। उसके बाद है क्लियरिंग इमेज, ड्रॉ एनी इमेज, इमेज हो गया, इमेज से कलर इमेज, कलर इमेज एग्जांपल ये हो गया। मूविंग इमेज, ड्रॉ एनी इमेज, एग्जांपल में हो गया ये, सेलेक्ट द इमेज या ऑब्जेक्ट, जो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट या इमेज बनाया उसे सेलेक्ट किया, उसको एनी ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन इसके बाद इस तरह बनाएगा वो क्वीन, उसके बाद इस तरह हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन विथ बैकग्राउंड। ड्रैग द ऑब्जेक्ट इमेज, पास्टिंग एनी ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर एडिट में पास्ट पेस्ट फ्रॉम, सेलेक्ट एनी फाइल, एग्जांपल में होगा फोटो बीएमपी। उसके बाद चेंजिंग मेन्यू, मेन्यू स्टेटमेंट, इमेज से जाना है आर्टिबल, उसके बाद विदाउट थ्री या हाइब्रिड फोर करके देखिए अपना। उसके बाद इंच, ब्लैक वाइट, कस्टम एम
कस्टमर कलर ये सब होगा। देखिए जैसे 11 इंच, 8 इंच, 11 इंच, 14 इंच होगी। व्यूइंग प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करना हो तो ड्रॉ एनी पिक्चर, पहले पिक्चर को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद है आपका फाइल से जाकर प्रिंट प्रीव्यू में जाकर एग्जांपल में देखिए जैसे ये हो जाए जूम इन जूम आउट, उसके बाद क्लोज करना है। चाहे आपको अगर प्रिंट में जाना है शॉर्टकट किसे तो कंट्रोल प्लस पी कीजिएगा तो आपको प्रिंट में चल जाएगा। आज आपका एमएस पेंट समाप्त हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में वर्डपैड चालू होगा। अगले नेक्स्ट क्लास में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जितना से जितना हो सके उसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे कि आपको जब वीडियो आए तब आपके पास आए। और जय हिंद जय भारत, तब आप मिलते हैं अगले क्लास में।